दोस्तों आज हम जानेंगे कुछ ऐसे बॉलीवुड के सुपर स्टार्स के बारे में जिन्होंने एक ही साल में एक दो तीन नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा हिट फिल्में बॉलीवुड को दी थी कौन से स्टार इन्होंने कौन सी मूवीज़ दी थी देखते हैं सबसे पहले नंबर पर है राजेंद्र कुमार जिन्हें जुबली कुमार भी कहा गया था इन्होंने कई हिट सुपर हिट मूवीज़ दी ब्लॉकबस्टर मूवी भी दी थी उन्होंने 1963 में इनकी काफ़ी सक्सेसफुल मूवीज़ आई थी हमराही थी पहले नंबर पर एक जनवरी को रिलीज हुई थी राजेंद्र कुमार और जमुना थे डायरेक्टर थे पी प्रकाश राव इस मूवी के इस मूवी का बजट था थर्टी फाइव लैक्स का और कलेक्शन हुआ था वर्ल्ड वाइड इस मूवी का लगभग एक करोड़ का इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया था दूसरी मूवी थी दिल एक मंदिर जो 26 मार्च को रिलीज हुई थी राजेंद्र कुमार मीना कुमारी राजकुमार लीड रोल में थे डायरेक्टर थे एस बी श्रीधर मूवी का बजट था 42 टू का कलेक्शन हुआ था दो करोड़ बीस लाख का वर्ल्ड वाइड और मूवी हिट थी इसके बाद तीसरे नंबर पर थी मेरे बहबूब जो पाँच अप्रैल को रिलीज़ हुई थी राजेंद्र कुमार और साधना थे लीड रोल में इसके डायरेक्टर थे एच एस रावल मूवी का बजट था चालीस लाख का कलेक्शन हुआ था छः करोड़ का ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट थी इस साल की ये सबसे ज़्यादा हिट मूवी थी चौथे नंबर पर थी गहरा दाग ये आठ दिसंबर को रिलीज हुई थी राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा थे डायरेक्टर थे ओ पी रलन इस मूवी का बजट था थर्टी एट लैक्स का और इस मूवी ने कलेक्शन किया था एक करोड़ चालीस लाख का वर्ल्ड वाइड यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेस्ट थी इस तरह चार मूवीज राजेंद्र कुमार ने दी थी अब बात करेंगे राजेश खन्ना की बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार जिन्होंने सत्रह हिट फिल्में लगातार देने का रिकॉर्ड बनाया जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है 1971 में इन्होंने काफ़ी सक्सेसफुल मूवीज़ दी थी पहली मूवी थी अन मिलो ये मूवी एक्चुअली 1970 में रिलीज हुई थी दिसंबर में पर इसका बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आया था 1971 में इसलिए इसे 71 में रखा गया है राजेश खन्ना और आशा परिक थे डायरेक्टर थे मुकुल दत्त बजट था एक करोड़ दस लाख का कलेक्शन हुआ था पाँच करोड़ का ये मूवी सुपरहिट थी दूसरे नंबर पर थी कटी पतंग 29 जनवरी को रिलीज हुई थी राजेश खन्ना और आशा पारिक थे इस थे था इस मूवी में डायरेक्टर थे शक्ति सामंत था बजट था एक करोड़ का और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था तीन करोड़ पचासी लाख का बॉक्स ऑफिस पर हिट थी ये मूवी इसके बाद इनकी मूवी आई थी आनंद जिसमें जो 12 मार्च को रिलीज हुई थी इस मूवी में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन थे लीड रोल में ऋषिकेश मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी थी ये मूवी बजट था पचास लाख का इस मूवी ने कलेक्शन किया था एक करोड़ सत्तर लाख का और यह मूवी सेमी हिट थी इसके बाद इनकी चौथी मूवी आई थी अंदाज ये मूवी बीस अप्रैल को रिलीज हुई थी राजेश खन्ना हेमा मालिनी शम्मी कपूर थे रिल रोड में डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी बजट था एक करोड़ का कलेक्शन हुआ था चार करोड़ का ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट थी इसके बाद इनकी पांचवी मूवी इसी साल में आई थी मर्यादा जो ट्वेंटी एट मई को रिलीज हुई थी राजेश खन्ना माला सुना राजकुमार थे डायरेक्टर थे अरविंद सिंह बजट था एक करोड़ का कलेक्शन हुआ था चार करोड़ पचास लाख का बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी भी हिट थी इसके बाद इनकी छवी मूवी आई थी हाथी मेरे साथी जो एक मई को रिलीज हुई थी राजेश खन्ना और तनुजा थे लीड रोल में डायरेक्टर थे एन ए चित्रंगन एम चित्रंगन बजट था एक करोड़ का कलेक्शन हुआ था सात करोड़ का ये मूवी ब्लॉकबस्टर थी इस साल की ये सबसे हिट मूवी थी इसके बाद बात करेंगे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की इन्होंने भी कई हिट सुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी दी 1987 में इन्होंने काफ़ी सक्सेसफुल मूवी थी पहली थी गंगा की सौगन जो दस फेबरी को रिलीज हुई थी अमिताभ बच्चन और रेखा थे डायरेक्टर थे सुल्तान अहमद बजट था एक करोड़ बीस लाख का कलेक्शन हुआ था चार करोड़ साठ लाख का ये मूवी अब एवरेज थी दूसरे नंबर पर थी कस्मे वादे इकतीस अप्रैल को रिलीज़ हुई थी अमिताभ बच्चन राखी गुलजार थे डायरेक्टर थे रमेश भैल बजट था एक करोड़ बीस लाख का कलेक्शन हुआ था चार करोड़ अस्सी लाख का ये मूवी सेमी हिट थी इसके बाद आई थी त्रिशूल जो पाँच मई को इसी साल रिलीज़ हुई थी अमिताभ बच्चन संजीव कुमार शशि कपूर राखी गुलजार हेमा मालिंद थे डायरेक्टर थे यश चोपड़ा इस मूवी का बजट था दो करोड़ का कलेक्शन हुआ था लगभग ग्यारह करोड़ का और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट थी इनकी चौथी मूवी थी टॉन जो बारह मई को रिलीज़ हुई थी अमिताभ बच्चन और जीना तमान थे इस मूवी में डायरेक्टर थे चंद्र बारोट इस मूवी का बजट था एक करोड़ पचास लाख का कलेक्शन हुआ था सात करोड़ के आसपास का और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट थी इसके बाद इनकी मूवी आई थी मुकद्दर का सिकंदर सत्ताईस अक्टूबर को ये मूवी रिलीज हुई थी अमिताभ बच्चन राखी गुलजार विनोद खन्ना अमजद खान थे इस मूवी में डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे प्रकाश मेहरा बजट था एक करोड़ पचास लाख का कलेक्शन हुआ था सत्रह करोड़ का यह मूवी ब्लॉकबस्टर थी इस साल की सबसे हिट मूवी थी अब बात करेंगे धर्मेंद्र की जिन्हें ही मैन भी कहा जाता है इन्होंने भी 1973 में काफ़ी सक्सेसफुल मूवी दी थी पहली मूवी थी कीमत जो 2 मार्च को रिलीज हुई थी इसमें धर्मेंद्र और रेखा थे लीड रोल में डायरेक्टर थे रविकांत नागेश इस मूवी का बजट था 75 लाख का ऑल कलेक्शन हुआ था 2 करोड़ 30 लाख का ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज थी दूसरी थी झील के उस पार ये बीस साल रिलीज हुई थी धर्मेंद्र और मुमताज थे इस मूवी में डायरेक्टर थे बप्पी सोनी इस मूवी का बजट था सत्तर लाख का और कलेक्शन हुआ था दो करोड़ चालीस लाख का ये मूवी अबाव एवरेज थी इसके बाद थी लोफर जो बारह मार्च को इसी साल में रिलीज हुई थी धर्मेंद्र और मुमताज थे इसमें डायरेक्टर थे ए भीम सिंह इस मूवी का बजट था एक करोड़ का और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था चार करोड़ पचास लाख के आसपास ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट थी इसके बाद मूवी आई थी जुगनू जो 30 अगस्त को रिलीज हुई थी धर्मेंद्र हेमा मालिन थे लीड रोल में डायरेक्टर थे प्रमोद चक्रवर्ती इस मूवी का बजट था एक करोड़ दस लाख का कलेक्शन था वर्ल्ड वाइड सात करोड़ ये मूवी सुपर हिट थी इसके बाद इनकी मूवी आई थी यादों की भारत जो दो नवंबर को रिलीज हुई थी धर्मेंद्र जिन्न तमान विजय अरोड़ा नीतू सिंह तारिक अजीत थे डायरेक्टर थे नाजर रैन बजट था एक करोड़ का कलेक्शन था पाँच करोड़ का ये मूवी हिट थी इसके बाद इनकी मूवी आई थी ब्लैक मेल जो 28 नवंबर को रिलीज़ हुई थी धर्मेंद्र राखी गुलजाल छत्रगंजनाथ लीड रोल में डायरेक्टर थे विजय आनंद इस मूवी का बजट था 85 फाइव का कलेक्शन हुआ था एक करोड़ 90 लाख का ये मूवी हिट थी इनकी सातवीं मूवी थी कहानी किस्मत की जो 19 दिसंबर को रिलीज़ हुई थी धर्मेंद्र और रेखा थे डायरेक्टर थे अर्जुन हिंगोरानी मूवी का बजट था लगभग एक करोड़ का कलेक्शन हुआ था वर्ल्ड वाइड लगभग पाँच करोड़ का ये मूवी हिट थी अब इस लिस्ट में आता है मिथुन चक्रवर्ती का नाम इन्होंने 1989 में काफ़ी सक्सेसफुल मूवीज़ की है पहली थी गुरु जो ट्वेंटी फरवरी को रिलीज़ हुई थी मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी थे डायरेक्टर थे उमेश मेहरा बजट था एक करोड़ पचास लाख का कलेक्शन हुआ था दो करोड़ बीस लाख का ये मूवी सेमी हिट थी इसकी इनकी मिथुन की दूसरी मूवी थी प्रेम प्रतिक्रिया जो दो, दो मई को इसी साल रिलीज हुई थी मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित थे डायरेक्टर थे बापू बजट था एक करोड़ पचास लाख का कलेक्शन हुआ था छः करोड़ पंद्रह लाख का ये मूवी सुपर हिट थी इनकी तीसरी मूवी थी इलाका जो बारह मई को इसी साल में रिलीज हुई थी मिथुन चक्रवर्ती धर्मेंद्र माधुरी दीक्षित थे डायरेक्टर थे अजीत सेजवाल बजट था एक करोड़ पच्चीस लाख का कलेक्शन हुआ था पाँच करोड़ 59 नाइन लेख का ये मूवी हिट थी इसके बाद आई थी दाता जो तेईस जून को इसी साल रिलीज हुई थी मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुर थी डायरेक्टर थे सुल्तान अहमद बजट था दो करोड़ तेईस लाख कलेक्शन हुआ था लगभग दस करोड़ के आसपास ये मूवी हिट थी इसके बाद इनकी मूवी आई थी मुजरिम जो अट्ठावीस जून को रिलीज हुई थी मिथुन चक्रवर्ती माधुरी दीक्षित थे डायरेक्टर थे, थे। उमेश मेहरा बजट था एक करोड़ पचास लाख कलेक्शन हुआ था लगभग पाँच करोड़ के आसपास ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट थी इसके बाद आई थी लड़ाई 1988 1989 में ही रिलीज हुई थी मिथुन चक्रवर्ती रेखा और डिम्पल थे डायरेक्टर थे दीपक शिवदासा ने बजट था एक करोड़ साठ लाख का कलेक्शन हुआ था पाँच करोड़ का ये मूड सेमी हिट थी इसके बाद आई थी भ्रष्टाचार जो एक दिसंबर को रिलीज हुई थी मिथुन चक्रवर्ती रेखा और रजनीकांत थे डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी बजट था एक करोड़ पाँच लाख कलेक्शन हुआ था लगभग तीन करोड़ का ये मूवी हिट थी इस तरह इसमें आखिरी नाम है अक्षय कुमार का इन्होंने 2007 में कुछ सक्सेसफुल मूवीज दी थी चलिए देखते हैं पहली थी नमस्ते लंदन जो 13 मार्च को रिलीज हुई थी अक्षय कुमार कत्रीना कैफ थे डायरेक्टर थे विपुल शाह बजट था 31 करोड़ का कलेक्शन हुआ था 71 करोड़ टू लाख का ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट थी इनकी दूसरी मूवी आई थी हे hey बेबी जो उनतीस अगस्त को रिलीज हुई थी अक्षय कुमार विद्या बालन थे डायरेक्टर थे साजिद खान बजट था छत्तीस करोड़ का कलेक्शन हुआ था एट्टी थ्री करोड़ नाइन्टी थ्री लैख का ये मूवी सेमी हिट थी तीसरी मूवी थी इनकी भुल भुलैया जो बारह अक्टूबर को रिलीज हुई थी अक्षय कुमार अमीशा पटेल थे डायरेक्टर थे प्रिय दर्शन बजट था बत्तीस करोड़ का कलेक्शन हुआ था एटी करोड़ थर्टी फाइव का ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट थी इनकी चौथी हिट फिल्म थी वेलकम जो कि 21 दिसंबर को रिलीज़ हुई थी अक्षय कुमार फिरोज खान कैटरीना कैफ अनिल कपूर थे डायरेक्टर थे अनिस बसवीं बजट था 48 करोड़ का कलेक्शन हुआ था 170 करोड़ 191 वन का